हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है प्रज्वल। आप देख रहे हो माई अनबॉक्स। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे यहां पर बात करने वाला हूं आरोग्य सेतु ऐप से रिलेटेड। क्योंकि दोस्तों, यहां जो आरोग्य सेतु ऐप है वो हम सबको यहां पर अलर्ट देता है, नोटिफिकेशन देता है कि यहाँ पर हमें इन्फेक्शन होने के कितने ज़्यादा या कितने यहाँ पर कम चांसेस हैं। और यहाँ पर दोस्तों, आरोग्य सेतु ऐप में लगातार दोस्तों ऑफिशियली यहाँ पर बहुत सारे अपडेट रिलीज़ किए जा रहे हैं, ताकि जो है आरोग्य सेतु ऐप में हमको बहुत आसानी हो जाए इसका यूज़ करना। और यहाँ पर उस अपडेट्स के बाद आपको इसमें बहुत सारे नए यहाँ पर दोस्तों ऑप्शंस भी, नए यहाँ पर आपको फीचर्स भी देखने को मिलेंगे, ताकि जो है कि आरोग्य सेतु ऐप को हम और जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं बहुत ही आसानी से इसको यूज़ कर सके। तो दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको उन नए अपडेट्स के बाद बताऊँगा कि आरोग्य सेतु ऐप यहाँ पर कैसे वर्क करता है, यहाँ पर कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो, और जो आपको यहाँ पर नए फीचर्स ऐड किए गए हैं उनका आप कैसे यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक करते हुए, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक यहाँ पर आरोग्य सेतु ऐप को नहीं डाउनलोड किया है, अगर आप यहाँ पर अभी स्टार्ट कर रहे हो यूज़ करना, तो यहाँ पर दोस्तों इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है कि कैसे आप आरोग्य सेतु ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हो अभी दोस्तों। और अगर आप पहले से ही यहाँ पर आरोग्य सेतु ऐप को यूज़ कर रहे हो, तो सिंपली आपको सबसे पहले, अगर आपने आरोग्य सेतु ऐप को नहीं अपडेट किया है, तो आप जाकर प्ले स्टोर से बहुत ही आसानी से अपने आरोग्य सेतु ऐप को अपडेट कर लीजिएगा। अभी दोस्तों, यहाँ पर जब आप आरोग्य सेतु ऐप को अपडेट कर लोगे या आप नए हो रजिस्ट्रेशन कर लोगे, तो जब आप आरोग्य सेतु ऐप को ओपन करोगे, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको लिख के आ जाएगा आरोग्य सेतु ऐप। नीचे गाइज आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि 15 करोड़ इंडियंस आर यूजिंग आरोग्य सेतु ऐप, यानी 15 करोड़ लोग यहाँ पर आरोग्य सेतु ऐप को यूज़ करते हैं। गाइज, नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं, योर स्टेटस, मीडिया, कोविड अपडेट और ई पास का। बाकी नीचे आप देख सकते हो लिखा हुआ है यू आर सेफ, सीधा रिसेंट कॉन्टैक्ट। यहाँ पर गाइज आपको नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है सीधा रिसेंट कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर जैसे आप रिसेंट कॉन्टैक्ट पर आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो कि ये बताएगा कि आप यहाँ पर लास्ट 30 डेज़ में कितने लोगों के कॉन्टैक्ट में यहाँ पर आए हो, जिन्होंने यहाँ पर आरोग्य सेतु ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर रखा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं घर से काफ़ी ज़्यादा बाहर गया नहीं हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ 2 लोगों का दिखा रहा है कि 2 आरोग्य सेतु यूज़र के मैं कॉन्टैक्ट में आया हूँ। तो हो सकता हो जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हो उनके कॉन्टैक्ट में मैं आया हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ 2 दिखाई दे रहा है। बाकी नीचे गाइज अब आप देख सकते हो लिखा हुआ है थिंग टू डू नेक्स्ट, यानी अब आप आगे क्या कर सकते हो। आपको यहाँ पर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, आपको यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट लेना है, आपको अपडेट्स को यहाँ पर लगातार, जो आरोग्य सेतु ऐप है उसको लगातार अपडेट करना है। बेसिकली दोस्तों, यहाँ पर आपको ये सारे यहाँ पर प्रिकॉशंस दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर दोस्तों बात करें यहाँ पर आरोग्य सेतु ऐप कैसे वर्क करता है, तो यहाँ पर जो आरोग्य सेतु ऐप है वो आपका यहाँ पर आपके ब्लूटूथ और GPS पर ये वर्क करता है। अगर आपका ब्लूटूथ और GPS हमेशा इसमें ऑन रहना चाहिए, तभी आपका आरोग्य सेतु ऐप आपके फ़ोन में यहाँ पर सही से वर्क करेगा। वरना आपका आरोग्य सेतु ऐप अगर आप इसमें से कुछ भी डिसेबल कर दोगे या ऑफ़ कर दोगे, तो आपका जो है ये फ़ोन या आरोग्य सेतु ऐप आपके फ़ोन में नहीं काम करेगा। अभी दोस्तों यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो लिखा हुआ है इन योर एरिया नाउ विद इन द रेडियस ऑफ, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर्स में। अभी दोस्तों यहाँ पर आप इस रेडियस में पता कर सकते हो कि कितने लोग यहाँ पर आरोग्य सेतु ऐप यूज़ करते हैं, कितने लोगों ने यहाँ पर इस रेडियस में सेल्फ असेसमेंट लिया हुआ है, कितने लोग यहाँ पर दोस्तों पॉजिटिव पाए गए हैं, कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, कितने लोग यहाँ पर अभी रिस्क पर हैं, जिनको यहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर आप इसकी मदद से पता कर सकते हो। बाकी नीचे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं ट्रेंडिंग नाउ, यहाँ पर आपको कुछ मीडिया मिल जाएंगे जो कि यहाँ पर सेलिब्रिटीज़ के द्वारा आरोग्य सेतु ऐप को यूज़ करने के लिए यहाँ पर एडवर्टाइज़ किया जाता है, और बाकी आपको बताया जाता है कि कैसे यहाँ पर आप इसके इन्फेक्शन आपको होने से आप खुद को यहाँ पर बचा सकते हो। नीचे आपको यहाँ पर मिल जाता है, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि आपको अगर आरोग्य सेतु ऐप से कोई भी अगर सवाल वगैरह है, तो यहाँ पर सीएल फेक्स पर आप क्लिक कर
आप पता कर सकते हो कि व्हाट इज़ आरोग्य सेतु ऐप, वाई शुड आई यूज़ आरोग्य सेतु ऐप, यहाँ पर आप सब कुछ पता कर सकते हो, जो भी आपके मन में सवाल है, जितने भी क्वेरीज हैं आरोग्य सेतु ऐप से रिलेटेड, यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से पता कर पाओगे। अभी दोस्तों यहाँ पर नीचे चले तो यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप यहाँ पर पीएम केयर्स में डोनेशन दे सकते हो, और भी यहाँ पर आपको नीचे बाकी ऑप्शंस मिल जाएंगे। अभी यहाँ पर गाइज अगर चले मीडिया वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको अलग अलग तरीके के यहाँ पर मीडिया मिल जाएंगे, जो कि आपको यहाँ पर प्रिकॉशंस बताएंगे, आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर ये वीडियोज़ के थ्रू एनालाइज समझाया जाएगा। अभी आगे चले दोस्तों यहाँ पर तो आपको दिखाई देगा कोविड अपडेट्स का यहाँ पर ऑप्शन। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है कोविड 19 केस ओवरव्यू अपडेट किया गया है दोस्तों 6 hours 31 minutes ago 11th अगस्त यानी आज को। यहाँ पर अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ऊपर वो दिखाई देगा जो भी आपका यहाँ पर गाइस स्टेट होगा। बाकी नीचे फिर आप देख सकते हो अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में यहाँ पर आपको कितने केसेस मिले हैं ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अभी यहाँ पर दोस्तों बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट में आप देख सकते हो एक्टिव, रिकवर्ड, डिसेट्स और कन्फर्म्ड। तो यहाँ पर जो दोस्तों एक्टिव है, यहाँ पर ये बताता है कि अभी यहाँ पर 47,878 लोगों का यहाँ पर दोस्तों अभी इलाज चल रहा है, जो कि यहाँ पर दोस्तों एक्टिव केस हैं। यहाँ पर रिकवर्ड में 76,724 लोग यहाँ पर रिकवर्ड किए जा चुके हैं, डिसेट्स में इतने लोग यहाँ पर जिनकी डेथ हो चुकी है, और इतने यहाँ पर दोस्तों टोटल कन्फर्म्ड केस हुए हैं यहाँ पर स्टेट में उत्तर प्रदेश में। इसी तरीके से अक्रॉस इंडिया भी आप चेक कर पाओगे कि यहाँ पर एक्टिव केस हैं 6,39,929, बाकी यहाँ पर आपको रिकवर्ड दिखाई देंगे 15,83,489, डिसेट्स में 45,257 टोटल यहाँ पर डेथ हो चुकी है इंडिया में, कन्फर्म केसेस यहाँ पर हो चुके हैं 22 lakh से ज़्यादा। तो यहाँ पर आपको टोटल ये चीज़ यहाँ पर बताई जाती है, बेसिकली एक्टिव वो चीज़ है कि यहाँ पर इतने लोगों का अभी इस टाइम इलाज चल रहा है जो कि अभी यहाँ पर सही नहीं हुए हैं। बाकी यहाँ पर आपको नीचे केस ओवर इंडिया मिल जाता है, आप यहाँ पर मैप्स के थ्रू मतलब ग्राफ के थ्रू चेक कर सकते हो अपने स्टेट वाइज की कहाँ का आपका चेक करना है। बाकी यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें ई पास का, तो ई पास दोस्तों यहाँ पर उनको दिया जाता है जो कि पब्लिक सर्वेंट है, जो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो यहाँ पर इस पेंडेमिक के टाइम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, तो उनको स्पेशली यहाँ पर ई पास अलाउड किया जाता है। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाता है, एक शेयर का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप आरोग्य सेतु ऐप को किसी के साथ शेयर कर सकते हो, आप व्हाट्सअप, फेसबुक, जिसके थ्रू आप यहाँ पर शेयर करना चाहते हो। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक, और यहाँ पर आपको शेयर के ऑप्शन के बगल में एक ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज वगैरह अगर चेंज करना चाहते हो, जैसे अगर मैं हिंदी करना चाहता हूँ नेक्स्ट करूँगा, तो ये अभी आप देख सकते हो कि ये मेरा जो है हिंदी में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आपको फिर से वापस जाना है इंग्लिश में, तो यहाँ पर आपको ए वाले ऑप्शन पर जाना है, इंग्लिश पर क्लिक करना है और आगे कर देना है, तो यहाँ पर आप देख सकोगे कि फिर से वापस आप अपने लैंग्वेज में पहुँच जाओगे। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर ऑप्शंस मिल जाएंगे, 3 lines का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जिस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके ऊपर नाम आपका दिखाई देगा, जिस भी नेम से आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, और यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएगा आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर। बाकी नीचे आप देख सकते हो लिखा हुआ है जनरेट स्कैन QR कोड, यहाँ पर आप अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सामने आपका QR कोड खुल जाएगा। इस पर दोस्तों मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाके वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हो कि कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हो। अभी गाइज यहाँ पर हम चले यहाँ पर स्टेटस चेक पर, तो यहाँ पर दोस्तों आप इस पर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आपको इसका भी लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इस वीडियो को भी आप कम्प्लीटली देख सकते हो कि कैसे ये जो है स्टेटस चेक वाला फीचर वर्क करने वाला है। अभी नीचे यहाँ पर आपको अप्रूवल्स का ऑप्शन मिल जाता है। अभी फ़िलहाल ये अप्रूवल्स दोस्तों किस लिए है, अभी इसके बारे में कोई भी डिटेल्स वगैरह नहीं निकल कर आई है, तो हो सकता हो दोस्तों यहाँ जो ये निकला है अप्रूवल्स का ऑप्शन, ये उसको दिया जाता हो जो कि एक तरीके से मतलब ऑफिसर्स वगैरह हो उनको कुछ अप्रूवल्स के लिए दिया जाता हो, या जब आप पॉजिटिव वगैरह पाए, जब आपका स्टेटस यहाँ पर अपलोड किया जाए, तो यहाँ पर अप्रूवल्स की चीज़ें कुछ हो सकती हैं। बाकी यहाँ पर आपको मिल जाता है शेयर डाटा विथ गवर्नमेंट, आपका अगर यहाँ पर कोविड के लिए अगर आपने सैंपल कलेक्ट किया गया है आपका, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसको सेलेक्ट कर सकते हो सैंपल कलेक्टेड फॉर टेस्टिंग, या फिर अगर आपका पॉजिटिव पाया गया है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड 19।
बाकी यहाँ पर आपको और ऑप्शंस मिल जाते हैं, हेल्पलाइन नंबर आप देख सकते हो, उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कॉल्स लगाने के ऑप्शंस आ जाएंगे। बाकी आपको प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स ऑफ यूजेस मिल जाएंगे। एक और ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा सेटिंग्स का, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, लिखा हुआ है परमिशन टू एक्सेस स्टेटस और यहाँ पर डिलीट माई अकाउंट। परमिशन टू एक्सेस पे अगर जाएं तो ऐप्स को यहाँ पर कितने ऐप्स को परमिशन दिया गया है या कितने यूज़र्स को यहाँ पर गाइस परमिशन दिया गया है आपके यहाँ पर जो भी आपका स्टेटस है उसको यूज देखने का। अभी बैक चले, अगर आप यहाँ पर अपने आरोग्य सेतु है जो भी अकाउंट है उसको अगर डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको डिलीट माई अकाउंट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर लिखना होगा। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपके पास गाइस एक OTP आएगा जो कि आपको एंटर करना होगा और उसके बाद आप डिलीट अकाउंट कर दोगे तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो भी डाटा है वो 30 डेज़ के बाद यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट सर्वर है उसे परमानेंटली रिमूव कर दिया जाएगा। और अगर सिंपली आप यहाँ पर सिर्फ ऐप को अपने फ़ोन से रिमूव कर देते हो तो आपके फ़ोन से आपका डाटा उड़ जाएगा, पर आपके यहाँ जो भी गवर्नमेंट सर्वर है उससे आपका डाटा वहाँ पर नहीं यहाँ से डिलीट हो सकेगा। तो कम्प्लीटली यहाँ पर बेसिकली ये पूरा यहाँ पर है आरोग्य सेतु ऐप का इंटरफेस, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्या क्या आपको नए फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं, आप इसकी मदद से सब कुछ यहाँ पर चेक कर पाओगे। दोस्तों उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आरोग्य सेतु ऐप यहाँ पर आपका वर्क करता है, कैसे आप यहाँ पर आरोग्य सेतु ऐप को इन नए अपडेट्स के बाद आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही कमाल की वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।